वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन। अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग। और आज का जैसे स्पेशल प्रोग्राम 14 अगस्त के हवाले से सबसे पहले तो आप सबको जितने भी लोग हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर हैं चाहे पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उन सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो जी। 75वां योम आज़ादी आज हम मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुदस्सिर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, बल्कि मैं अपने नाजरीन से पहले उनको मुबारकबाद दे दूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप सब लोगों को हमारी तरफ से, के टू टेलीविज़न की तरफ से जश्न आज़ादी बहुत 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 मुबारक हो। और नौशीन, आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी अच्छी आपने तैयारी की है। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। हमारा जो कौमी लिबास है, और जब हम अपने कौमी लिबास में होते हैं तो एक वैसे भी जोश और वलवला जो है हमारा बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। और दिन भी इतना खास है, दिन भी इतना खास है। बल्कि मैं आपको ये बात ज़रूर अपने नाजरीन से भी शेयर करना चाहूँगा कि कल शाम को ना जी, तो जो कितने जोश और जज्बे के साथ हमारे बच्चों ने, हमारे नौजवान नस्ल ने, हम सब ने मिल के रातों को बड़े चरागा किया ना, और बड़ा मज़ा आया। मैं तो बड़ा हमने एंजॉय किया। बिल्कुल। और आप देखें तो पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे वो सेलिब्रेट करती हैं और इंतज़ार करते हैं पूरा साल इस दिन का, क्योंकि ये हमारी आज़ादी का दिन है। और बिल्कुल जी, हम बड़े खुशकिस्मत लोगों में हैं कि हम एक आज़ाद वतन में रहते हैं। अच्छा नौशीन, पता है बात क्या है ना, कि हम देखें, अगर आसपास देखें तो मसले मसाइल बहुत हैं बिल्कुल। और हम अक्सर जब बैठते हैं, फ्रेंड्स की गैदरिंग जब होती है, तो बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि यार ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला ना। आप कभी गौर करें ना, आप हम जिस तरह कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, आप लोगों को आइडिया होगा। हाँ, बिल्कुल, जो परदेश काट रहे होंगे। अच्छा, मेरा इस बात को कहने का मकसद ये है कि जो लोग बाहर बैठे हैं, जो लोग किसी दूसरे मुल्क में हैं, वहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं होता कि वहाँ पे हम अगर ये सोचे कि हाँ जी फलां वो कंट्री है, वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त हैं मसले। वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होते हैं, हर जगह पे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमारे मुल्क में प्रॉब्लम है तो हमको बहुत ज़्यादा कोई हम इसमें रहेंगे। इंशाल्लाह हम बेहतरी की उम्मीद है, हम आगे जाएँगे। हमारा मुल्क जिस तरह पहले तरक्की कर रहा था, भी मजीद भी तरक्की होती रहेगी। लेकिन ये दिन जब आता है, 14 अगस्त का दिन जब आता है, तो सारी कौम इकट्ठी हो जाती है और ऐसी सेलिब्रेशन करती है कि मजा आता है। तजदीदे अहद का भी दिन है ये, बिल्कुल, कि हम जब हर साल अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं तो उसका एक मकसद है। वो मकसद ये है कि जितनी कुर्बानियाँ दे के हमने ये वतन हासिल किया है, और आज हम 75वां ये योम आज़ादी मना रहे हैं, तो 75 साल जो गुजरे हैं इस मुल्क के अंदर हम लोगों के, तो इस पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, दे रहा है और देता रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे एक सवाल होता है, जिस तरह आपने मसाइल की बात की है, तो बिल्कुल जी हर मुल्क के मसाइल होते हैं, लेकिन उसमें कुछ हमारा अपना बहसियत पाकिस्तानी, बहसियत अवाम होने के नाते हमारा भी कोई फर्ज बनता है, बातें हमारे पास आज हैं अपने नाज़रीन को करने के लिए। छोटी छोटी बातें हैं, कोई इतने बड़े काम नहीं करने, हम छोटी छोटी जो बातें हैं, किस तरह हम अपना किरदार जो है वो कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें, और पाकिस्तान को और ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। ये हम अपनी बातों में ये चीज़ें भी चलती रहेंगी, साथ साथ हम थोड़ी सी बात की बात भी करेंगे। बल्कि साथ हम ये बात ज़रूर ऐड करना चाहेंगे कि K2 ने कभी भी कोई भी ऐसा पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी इवेंट्स आए तो K2 ने भरपूर तरीके से उन इवेंट्स को मनाया। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे इस किस्म के इवेंट्स जो हमारे पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अक्सर, हम अपने प्रोग्राम में ये बात डिस्कस करते हैं कि जो फ्लेवर आपको इस चैनल में मिलता है वो किसी और चैनल में नहीं मिलता। वजह यह है कि हम पाकिस्तान के कलर्स दिखाते हैं। K2 पाकिस्तान के कलर्स दिखाता है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली पाकिस्तानियत दिखा। हर शो के अंदर आपको पाकिस्तानियत नज़र आती है, क्योंकि जिस तरह मुदस्सिर आपने बात की कि जितने भी रंग हैं खूबसूरत रंग, चाहे वो किसी ज़बान के हवाले से हैं, चाहे वो आपका कल्चर है, सकाफत है और टैलेंट है, वो सारा आपको इकट्ठा करके आपको K2 चैनल की स्क्रीन पे दिखाया गया है। ना सिर्फ टैलेंट बल्कि जितना भी पूरा पाकिस्तान, इसकी खूबसूरती, इसकी यूनिकनेस, यही है यूनिकनेस, यही है। हमें बार बार इस पे हमें फ़ख्र करना चाहिए, बिल्कुल, और हम माशाल्लाह से करते हैं कि हमारे ये K2 टेलीविज़न के हवाले से इसमें सारा कंटेंट, हम जितनी भी प्रोडक्शंस होती हैं, जो भी हमारा काम होता है, वो पाकिस्तानी ही कंटेंट चल रहा होता है। ये नहीं होता कि हम जी इधर उधर से चीज़ें लेके, बड़ा इजी होता है कि कोई भी कंटेंट उठा के आप चला दें। बाकी बहुत सारे चैनल्स कर भी रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज़ पे वो बड़ा फ़ख्र भी है। और आज के प्रोग्राम में भी हमने बड़ी चीज़ें आज अपने नाजरीन को इस बात करने का मकसद ये है कि हमने बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस की हैं K2 ने, और उनकी झलकियाँ ना वो भी हमने आज, क्योंकि अपनी हम थीम को साथ रखेंगे, बिल्कुल। और आज जिस तरह 14 अगस्त आप लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, घरों के अंदर चिरागा भी हुआ, झंडियों से सजाया गया, और बाज़ लोग तो बाकायदा स्पेशल केक जो है वो बनवाते हैं, वो उसकी कटिंग होती है, मतलब भरपूर तरीके से सब बनाते हैं, बच्चे भी बड़े भी। और हम उस आज़ादी को सेलिब्रेट करें जिसमें आज हम सांस ले रहे हैं, क्योंकि आज़ादी की कदर उन्हीं लोगों को हो सकती है जो इस वक्त जुल्म और सितम का शिकार है। जिस तरह हम कश्मीरी बहन भाइयों को देखते हैं, फ़लस्तीन में देखते हैं, तो आप उस चीज़ को अगर थोड़ा सा महसूस कर लें, तो फिर आपको आज की जो हम दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझेंगे। तो बिल्कुल जी, इन्हीं बातों को लेते हुए साथ चलते हैं। और अब आप बताइए कि नेक्स्ट हम क्या दिखा रहे हैं। हम अभी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जो कर रहे हैं ना, थोड़ा सा हम चलते हैं 2000, हमारी गाड़ी कहाँ पर रुकेगी, 2009 में बिल्कुल जी, 2009 में चलते हैं। एक प्रोग्राम हमने किया था कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बड़े फ़हीम भाई, फ़हीम आज़म होस्ट किया था। इसमें अली ताहिर थे, उसामा थे, नुमान लशारी थे सारे हैं, लेकिन उस प्रोग्राम में वो मौजूद थे। और बड़ी स्पेशलिटी मैं बताऊं कि उसमें नुमान भाई ने ना वो बड़ा खूबसूरत हमारे पाकिस्तान का एक कल्चरल ड्रेस, बलोची ड्रेस जो है ना, वो पहना हुआ था, क्योंकि नुमान लशारी का ताल्लुक जो है वो बलोचिस्तान से है। लशारी जो आई थिंक वो है, कास्ट है वो बलोचिस्तान में है। अच्छा, बलोचिस्तान में भी हैं और मियाँ वाली में भी हैं। अच्छा, अब ये नहीं पता कि नुमान भाई बलोचिस्तान वाले लाशारी हैं या मियाँ वाली वाले हैं, लेकिन उनका जो ड्रेस है बिल्कुल जी बलोची कल्चर जो है वो नजर आ रहा है। बलोचिस्तान हो, मियाँ वाली हो, पख्तून हो, कोई भी हो, बात हमारी यही है कि हम पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल जी। और जिस तरह प्रोग्राम का नाम कि हम पाकिस्तानी हैं, ये बाकी जो है ये जितने भी हम डिफरेंट हो जाएं, सराइकी, सिंधी, बलोची, जो कुछ भी हो जाए, लेकिन होंगे हम सबसे पहले हम पाकिस्तानी, बिल्कुल बिल्कुल, फिर हम सिंधी बलोची आते हैं ना। तो इसमें बड़ा शुगर लगा हुआ था, बड़ा मज़े का प्रोग्राम हमने किया था, सही। और नुमान भाई ने बड़े उसमें वो भी किए थे, मिली नगमे भी गाए थे ना, सही। तो वो मैं चाह रहा हूँ अगर आप कहें क्यों नहीं हम अपने नाजरीन को दिखाएं। बिल्कुल जी, चलते हैं और देखते हैं हम पाकिस्तानी हैं। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है, हो इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है जज्बा जुनून तो हिम्मत नहार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, बढ़ना है आगे हर कदम, कदम जब तक है दम में दम होगी कभी हिम्मत न कम है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा पाकिस्तान है हमारा। अरे भाई वाह बहुत खूबसूरत जी। माजी से सफ़र करते हुए हम पहुंचे हाल तक और हाल से अब बढ़ रहे हैं मुस्तकबिल की तरफ। और जैसे कि गाने में कहा कि है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, तो मैं उन तमाम जो तकलीफ़ में मौजूद इस वक्त लोग हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ करें और जज्बा जुनून रखें, हिम्मत ना हारें। हम भी आपके साथ हैं, हमें आप अपने साथ पाएंगे इंशाल्लाह, फिज़िकली भी और यहाँ पे हमारे जज्बे के हवाले से भी। और मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि इसी तरह से सपोर्ट में उनकी बाहर निकलें। हम बढ़ते हैं बाकी सवालात की तरफ। अभी तक टीम ए लीड कर रही है, 1,36,574.4 पॉइंट्स हैं इनके। और मेरे लेफ्ट पे जो टीम बी है उन्होंने अभी तक सिर्फ चने कमाए। गुड, तो इसलिए पहले आप कह रहे थे पानी फस गया, चने खिला दें। तो अब हम बढ़ते हैं जी टीम ए की तरफ और टीम बी के लिए हो गया। अच्छा, उनका हो गया जी। टीम बी के लिए सवाल है जी, जानशेर खान ने ब्रिटिश ओपन और वर्ल्ड ओपन कितनी मरतबा जीता? चलो 11 दफा है ऑप्शन है जी। 3600 दफा। हमने मजाक किया था, हमारी बारी है, उनकी बारी है। ऐसे आपने गलत सुना। सीरियस हो गए आप, सीरियस हो गए सर। नहीं जी, ये बताइए जी। 11 ब्रिटिश ओपन जी उन्होंने जीता 8 मरतबा। ब्रिटिश ओपन जीता उन्होंने 8 मरतबा। और वर्ल्ड ओपन? नहीं, ये आप गलती कर रहे हैं ना, मतलब वर्ल्ड एक ओपन पूछे ना। नहीं, आप उसने तो गेम ओपन कर दी ना। अब जानशेर खान ने तो ओपन खेला है, उसने तो ब्रिटिश ओपन भी खेला है, वर्ल्ड ओपन भी खेला है। तो जानशेर भाई खान साहब कितनी दफा? वो कहते मैंने इतनी दफा जीता मैं खुद भूला हूँ। चले सर, कोई बात। बताएं जी, आपके इस पास सेकंड्स हैं 1500। हाँ बताइए जी। सर मेरे ख्याल 8 मरतबा ब्रिटिश ओपन जीता है, 8 मरतबा ब्रिटिश ओपन। और 11 दफा? नहीं, माइक बताएं जी, माइक में बात करें जी। 8 और 9 कर लें जी। 8 और 9 कर लें जी। सूट खरीदने आया मेरा तो ख्याल है सर, इतनी तो खरीदनी है यार। नहीं सर, एक मिनट नोमी भाई, मेरा ख्याल है CNG भी नहीं ठीक है, उस 7 लाख कर लो सर। चले जी, हम आपको जवाब सुनाते हैं और चैलेंज तो नहीं करना चाहिए। चले जी, जानशेर खान साहब ने ब्रिटिश ओपन जीता है 6 मरतबा। ठीक है जी, हालांकि बहुत खुल के खेले थे। टोटल बताए ना, 6 मरतबा जितने होंगे उतने। और वर्ल्ड ओपन जीता है 8 मरतबा, फिर भी रह गए आप। ओहो हाँ, तो वो 3-4 दफा उन्होंने बताया ही नहीं। जीत के भूल गए वो। अच्छा, वो जो चने भी आप लोगों के पास जीते, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्लैप हो जाए जानशेर, क्लैप हो जी। जी जानशेर खान के लिए क्लैप हो जाए। हमारे मुल्क का प्राइड है, बहुत सारे लोग हमारे मुल्क का प्राइड हैं, जनरली मौसीकार और स्पोर्ट्समैन स्पेशली, वो लोग हमारे मुल्क के लिए बहुत। मेरा नाना उन्हें देना फरमाइश है जी खसूसी तौर पर। अच्छा, ये नुमान साहब से हम गाना सुनेंगे, ये वतन तुम्हारा है। और खसूसी फरमाइश चूँकि आई है इसलिए हमें ब्रेक लगानी पड़ेगी और हम आगे बढ़ते हैं नुमान साहब की तरफ। नुमान प्लीज़ हमारे दिलों को दोबारा से सरसब्ज शादाब कर दीजिए। ये वतन तुम्हारा। बहुत अच्छे भाई, बहुत आला जी। ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा आपको फिर वेलकम करते हैं। और आपने हमारा ये झलकी जो देखी ना, आपको देख के बड़ा अच्छा लगा होगा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। नौशीन, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब कि जिस तरह हमने प्रोग्राम का एक टाइटल बताया था, हम पाकिस्तानी हैं, तो सब ने उसका सबूत दिया उसमें। तो माशाल्लाह से जी, हर प्रोग्राम जितने भी आप देखते हैं स्पेशल, उसमें वही थीम रखा जाता है, उसी हवाले से बातचीत होती है, इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है। और जिस तरह मिली नगमों की बात होती है, मुदस्सिर, हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं मिली नगमे। और हमने अपने बुज़ुर्गों से ये भी सुना कि जब जंगे होती थी तो उनमें बाकायदा तौर पे इसी तरह की पोइट्री और सॉन्ग्स होते थे, मिली नगमे होते थे, जो हमारी फौज के साथ साथ हमारी आवाम का भी जज्बा बढ़ाते थे। अच्छा, और इसलिए हमने जंगें भी जीती। तो कुछ उनका भी कमाल है, हमारे मिली नगमों का। उनके बगैर तो हमारी जश्न आज़ादी होती है, बिल्कुल जश्न आज़ादी अधूरी है। और वक्त के साथ साथ आज भी हम वो नगमे सुनते हैं तो मतलब हमारा उसी तरह जज्बा जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारी कोशिश रहेगी ना कि आज के हम जो प्रोग्राम है ना, इसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों को हम लेके आएंगे ना। हम थीम वही रखेंगे कि हम इसमें हमारे जितने भी 14 अगस्त के हवाले से सेलिब्रेशंस हुई, वो मटेरियल हम वो झलकियाँ दिखाएंगे अपने नाजरीन को, जो उन शायद, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो भूल चुके होंगे, क्योंकि इतनी दूर और लंबी पुरानी कोई बात है नहीं। सही, हमारी अभी कल की बात है, कोई ये 8-10 साल पहले की जो प्रोडक्शन है वो हम दिखाएंगे ना। तो अच्छा मुदस्सिर, ये बताएं कि आप, जाहिर सी बात है, हर साल पाकिस्तानी जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। आप अपने स्कूल टाइम में आप पार्टिसिपेट करते थे जश्न आज़ादी के प्रोग्राम्स में? बिल्कुल, हम करते होते थे स्कूल में। और बल्कि मेरे अभी माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा था, मैं आपसे भी यही सवाल करने लगा था, लेकिन आपने, वो कहते हैं ना, लेडीज फर्स्ट। बिल्कुल जी। तो क्योंकि बड़े क्योंकि हर जिस तरह हमारा टाइम आगे होता जा रहा है, तो दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियां भी आती जा रही हैं, सेलिब्रेट करने के तरीक़ाकार डिफरेंट होते जा रहे हैं। मुझे याद है कि हम स्कूल में बाकायदा हमारे वो होते थे, टैबलोज होते थे और हम उनमें बड़ा भरपूर पार्टिसिपेट करते होते थे। उसके बाद फिर जब हम घरों में आते थे तो हमारे बहन भाई सारे कज़न मिल के हम रात को बाकायदा दिए जलाया करते थे, चरागां। और उसमें वो ना, मुझे याद है कि मिट्टी के जो होते हैं ना, मिट्टी के बने हुए दिए, प्रॉपर दिए, उनमें हम सरसों का ऑयल डालते थे। सही। और कॉटन जो होती थी, कपास, उसको हम यूं करके उसकी वो बुलाते थे, बाती उसको बोलते हैं हम, उसको हमारी ज़बान में कहते थे वट। अच्छा। तो हम उसकी वो बना के फिर उसमें हम तकरीबन डिप करके रख देते थे और शाम को हम बाकायदा रख लेते थे उसमें। और फिर रात जैसे होती थी, फिर हम उसको जलाया करते थे। फिर एक और चीज़ होती थी कि हम, हमारे इलाकों में अभी तो खैर वो चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, पतंगबाजी जो है ये, अब इसका ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। उस टाइम जब पतंगबाजी होती थी, या जिस टाइम हम, मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि हम जब ख़ास तौर पे 14 अगस्त पे जो पतंग होती थी, वो पाकिस्तान के फ्लैग से बनी होती थी, उसको ये इवनिंग से पहले, मतलब शाम से पहले, असर के टाइम उड़ा के, फिर उसको ना, जब पतंग उड़ाते हैं तो वो उसको एक हवा में जब चली जाए ना, ऊपर वाली हवा में ढील देते हैं, ढील, हाँ, उसमें फिर वो पक्की होती है, वहाँ पे खड़ी हो जाती है ना। तो वहाँ पे रोक के हम वेट करते होते थे कि जब सूरज गरूब होगा तो हम एक छोटा सा, जिस तरह एक लैंप टाइप की एक चीज़ बनाते होते थे, उसके अंदर मोमबत्ती लगा के उसको डोर के साथ बांध के फिर उसको मज़ीद फिर हम आगे ले जाते थे। और वो जो एक खूबसूरत एक लालटेन टाइप की एक चीज़ होती थी, वो हवा में नज़र आती होती थी ना, और जब तक वो जो मोमबत्ती जलती रहती थी, तब तक आसमान पे वो जगमगाता हुआ एक सितारा टाइप की चीज़ लगती थी। बिल्कुल जी, सेलिब्रेशन के अपने अपने एक अंदाज हैं, और ये वो खूबसूरत से अंदाज हैं जो हर घर में किए जाते हैं। और ख़ास तौर पे मुदस्सिर, आपने ये भी देखा होगा कि जैसे ही जश्न आज़ादी आती है तो लोग हफ्तों पहले अपने घरों की छतों पे पाकिस्तान का परचम जो है वो लगाते हैं। और मतलब पता चल रहा होता है कि वाकई जी हमारी आज़ादी का जश्न आ रहा है। और जिस तरह हम बचपन की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग जो घर में बैठे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, मुदस्सिर की बातें सुन के आपको भी अपना बचपन याद आ गया होगा कि किस तरह नौशीन, आपका बचपन कैसा था? आपके बचपन में आप सेलिब्रेशंस किस तरह करते होते थे 14 अगस्त के हवाले से? बिल्कुल, पहले तो हम लोग यही जिस तरह घर के छत पे जाके हमारे अब्बू जो थे वो बाकायदा हमारे लिए बड़ा सा पाकिस्तानी परचम बनवाते होते थे और फिर हम वो छत पे लगाते तो बड़ी खुशी होती थी कि हमने परचम लगाया हुआ है, सबसे पहले हमने लगाया। तो ये होता था। फिर उसके बाद वही बात है, चिरागा होता है, झंडियाँ लगती हैं और फिर जब हम जाहिर सी बात है स्कूल टाइम में जब हम सेलिब्रेट करते होते थे स्कूल के अंदर तो मुख्तलिफ चीज़ों में हिस्सा लेना वो बड़ी खुशी होती थी। और मैं आज इस बात के साथ ये मैसेज भी दूंगी कि बेशक हम सेलिब्रेट करते हैं ये दिन, हमें हमारा हक भी बनता है, लेकिन जो हमारे छोटे बच्चे हैं साथ साथ हम उन्हें इन चीज़ों के साथ साथ उनको हम ये हिस्ट्री भी बताएं, ये कुर्बानियाँ बतानी है। बिल्कुल। और बहुत कुछ अच्छी बातें तो अभी आप सुन रहे हैं, अभी प्रोग्राम में हमने थोड़ी सी, बिल्कुल, ताकि उन्हें पता हो कि हमारी हिस्ट्री क्या है, पाकिस्तान बनने के पीछे क्या मकासद थे, किन लोगों ने उसमें किरदार अदा किया और किस तरह हमें ये आज़ादी मिली। तो बिल्कुल जी, ये बड़ी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं और साथ साथ क्योंकि सेलिब्रेशन जारी हैं तो हम अपने जो प्रोग्राम्स हैं K2 चैनल की स्क्रीन पर जो आप देख चुके हैं हम उन्हें दोबारा से दोहराएंगे ताकि आपकी यादें भी ताज़ा हों। झलकी हम दिखाएंगे कि हमने क्या किया क्या किया। बिल्कुल जी, 14 अगस्त के हवाले से एक और प्रोग्राम 2013 में हुआ था पाकिस्तान पाइंदाबाद के नाम से, जिसको होस्ट किया था आरिफ काजी साहब ने और साथ में महजबीन एहसन थी और उनके जो गेस्ट थे उनमें शामिल थे जी आले इमरान मरहूम साहब, वो भी मौजूद थे उसमें और साथ में थे, मैं पढ़ देती हूँ, नासिर राजा साहब थे और शायरा भी थी हमारी एक आबिदा तकी के नाम से और साथ में जी थे गुल, बहुत अच्छे सिंगर। हाँ। और उन्होंने मिली नगमे इसमें पेश किए थे। अच्छा, गुल ना बड़ा अच्छा एक परफॉर्मर, बड़ा अच्छा है क्योंकि एक सिंगर होने के साथ साथ अगर वो अच्छा परफॉर्मर नहीं है तो वो भी कंप्लीट नहीं है। बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। एक अच्छे सिंगर के होने के साथ साथ परफॉर्मर होना भी अच्छा होना ज़रूरी है। तो बिल्कुल जी, इसी खूबसूरत से तोहफे के साथ हम आपको ये शो दिखा रहे हैं, तो आइए चल के देखते हैं। कदम कदम महबाब तुझे, कदम कदम महबाब, सोहनी धरती अल्लाह रखे, तेरी प्यारी सज गज के हम वारी वारी जाए, तेरी प्यारी सज दज के हम वारी वारी जाए, आने वाली नस्ले तेरी अजमत के गुन गाए, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखे आबाद, सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखे आज़ाद, हम देखे आज़ाद तुझे, हम देखे आजाद, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे कदम कदम आबाद, सोहनी धरती अल्लाह रखे। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं 14 अगस्त की लाइव ट्रांसमिशन इस्लामाबाद स्टूडियो नंबर 1 से आप बराह रास्त देख रहे हैं जी। जिस ट्रांसमिशन को आप इस वक्त अपनी टीवी के शीशों पर देख रहे हैं उस ट्रांसमिशन का खूबसूरत सा नाम हमारे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ नाम, हमारे पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान ताबिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान ताबिंदाबाद। जी महाजबीन, अभी हमारे पास बड़े खूबसूरत खूबसूरत से मेहमान भी आ गए हैं और उसके साथ साथ मैं बताऊं इससे पहले कि हम मेहमानों की तरफ जाएं, ऐसा पहले तारफ़ करा छोड़ा कि ऐसा नाल मतलब एक खूबसूरत आवाज़ किस दी है नाल गिटार होते को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको हम जश्न आज़ादी की मुबारकबाद भी देते हैं। गुल हमारे जनाब K2 के चैनल के गुल हैं, मेरी तरफ से भी पूरे पाकिस्तान को, सब गेस्ट को, आप लोगों को, पूरे K2 चैनल की टीम को। और आज हैदर है मेरे साथ गिटार पे और इनका बहुत शुक्रिया हैदर आपके आने का, और इनकी तरफ से भी आज़ादी मुबारक सबको। और अगर तुझे ना भी आखो तो ऐसा नहीं हैदर हैदर माशाल्लाह जश्न आज़ादी मुबारक हो गई। तो गुल जी तुसा भी हो बड़ी खुश सोनी बड़ी तैयारी करके आए हो इस दफ़ा। बस मैं किदा ना मैं क्या अच्छा सावा रंग पावन आज फिर सावा रंग पा साड़ी फरमाइश थे हैं आज इस पूरी कौम की फरमाइश थे पाने। माजबीन असन बड़े सोहने सोहने मेजमान भी आए हैं, उन्होंने भी तारफ करासन जनाब जश्न आज़ादी का खूबसूरत तरीन दिहाड़ा है और इस इस्लामाबाद स्टूडियो नंबर 1 तो बराह रास्त में देखते हो। असन बड़े सोहने सोहने तो मिठे मिठे मेजमान भी हैं। तो पहला मेहमान जोड़ा जोड़े असें मेजमान हैं जोड़े सुबह सुबह इन बड़ी दूरों तकलीफ भी इन्होंने की है ना तुसी पोठोहार दे यार खूबसूरत रंग तुसा देखते हो और जनाब इन्ह की वजह तो तुसा देखते हो कि पोठोहार जोड़ा है माशाल्लाह इस टाइम उसके जितने भी मुख्तलिफ सारा पाकिस्तान सोहना है, पूरा पाकिस्तान सोहना है, लेकिन उस जो खिता पोठोहार है उसका रंग इन्हें दी वजह तो सोने। आले इमरान साहब असल बैठे दिन जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आले इमरान साहब तुसा जश्न आज़ादी मुबारक हो। खैर मुबारक जी तुसा की भी सारे जितने तखने वाले उन्होंने की जनाब तुसा अपना खातरदार सैयद आले इमरान जश्न आज़ादी दियाँ लख लख मुबारक पेश। क्या बात है मुबारक। मैं आखना शाह जी ईद तो बाद बड़ी ईद माशाल्लाह, मतलब असा मुसलमान असा पाकिस्तानी कितने खुशकिस्मत ते खुशनसीब हाँ कि उत्ते तले अल्लाह ताला असा पे खुशियाँ नसीब कर रहे हैं। और मैं आखसा कि 67वां मतलब 73 जो योम आज़ादी है ये चल रहा है, वैसे तो 66वां भी उस आखते हैं 66 कंप्लीट हो गए, 66 कंप्लीट हो गए, 67वां जो है वो शुरू हो गया बदना पे। तो दुए मेहमान जो नाम अस बैठे दिन तुसा इन्हें भी देखते हो माशाल्लाह प्रोग्राम चांदनी चौक होवे या बैठक होवे या उसके नाल कोई भी ऐसी गल जिसते विच तुसां थोड़े जी संजीदा हो, घरों परेशान होवे, तरीमती दे हथों तुसां कोई मसला मसाइल होवे या कोई महंगाई दे हथों या बेरोजगारी दे हथों तुसां कोई मसला होवे, तुसां इन्हां दा प्रोग्राम देखो और थोड़ी देर बाद तुसीं सारे गमां भुल जांदे हो। इतने खूबसूरत जिस तरह उन्हां दियां गल्लां सोहणियां इस तरीके नाल खुद भी बड़े नफीस इंसान हन। असल जनाब राजा नासिर साहब बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जनाब, क्या हाल ने काई साहब? ठीक ठाक जी, खुश हो, बड़ी मेहरबानी। माड़ी तरफों जनाब सारे तकने वाले की जिथा जिथा सानी आवाज़ भी जानी, जिथे जिथा सानी तस्वीर भी जानी, उन्हें सारे की बहु बहु आज़ादी मुबारक है। और तुसा रिक्वेस्ट नहीं कीजिए अगर तुसा इजाज़त दियो अल्लाह ना वास्ता है और स्ट्रेस में ना आखे तुसा उसकी बहु टंगा पनिया मेहरबानी हो सी नहीं आखने जी। लेकिन मैं तो सीधा छोड़ो सा मैं आखा के उसकी तुसी 67 आख छोड़ो 67वां बनदा है, 67वां जी बनदा है। इना आखे आज़ादी मुबारक होवे ना, इनी आखे जश्न आज़ादी। ये जितने खावंद वो आते ना आज़ादी मुबारक होवे आज ते इना भी ये आज़ादी दा मतलब ही जश्न है। ठीक है, आज़ादी नाल जश्न तुसा ना भी लाओ ना, जिस तरह से असा आखने पीटी शूज बूट भाई शूज बूट ही होने ना, या अस आखने कि सोने ना गोल्ड मेडल भाई जरा सोना होना वो गोल्ड ही होना। सही है, तो इस तरह ये आज़ादी भी जरा जश्न ही होना। और सर कभी कहते हैं कि इनको ना हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया ये भी कहा जाता है कि जी हार्ट अटैक का दौरा, तो वो समझ नहीं आती कि हार्ट अटैक क्या चीज़ है अगर दौरा पड़ गया तो। अच्छा जी, ये मजाक और ये गपशप इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन हमारी एक और मेहमान शख्सियत जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जब पाकिस्तान वजूद में आ रहा था तो तहरीक आज़ादी की जो सिलसिले चल रहे थे उसमें शायरों ने भी बहुत बड़ा जो है एक रोल प्ले किया, और आज जो ये हम गीत सुनते हैं और जिस पर झूमते हैं और वाकई हमारे जज्बे को और हमारे वलवले को और चार चांद लगाते हैं, इनमें उन्हीं शोरा का जो है बहुत ज़्यादा अमल दखल है। इसीलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना हमारे इस महफिल में एक शायरा भी मौजूद हों। आबिदा तकी साहिबा मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक ठाक, और आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मेरी तरफ से K2 के तमाम जितने भी हैं और जो देखने वाले हैं इस हवाले से आपके नाजरीन, इतनी खूबसूरत सुबह है आज की आज़ादी की, और अल्लाह ताला की बराने रहमत के साथ ये मज़ीद खूबसूरत हो गई। तो जब मैं आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि वाकई जैसे इन्होंने कहा कि एक ईद की खुशियाँ और उसके फ़ौरन बाद आज़ादी के दिन की खुशियाँ, तो ये खुशियाँ दोबाला हो गई हैं आज आज़ादी के इस दिन में। बिल्कुल जी, और इसको और दोबाला करेंगे जब फिर आप हमें अपना कलाम भी सुनाएंगी, तो इससे और जो है मज़ीद खूबसूरती की तरफ जाएंगे। अब माशाबीन मैं थोड़ी जी गल पर करना सा कि मैं आल इमरान साहब इधरों ही शुरू करा, इस तो पहले कि असा इस गुफ्तगू किसी संजीदा मोड़ की तरफ लैके जाए। मैं सिर्फ इतनी गल आखसा कि 1947 के 1947 के नारा आसा यारा लेके रहेंगे पाकिस्तान बन के रहेगा पाकिस्तान, तो हूँ जड़ा तुम पे देखते हो यारा जे वो गल तो पूरी हो गई है, लेकिन जड़ा पाकिस्तान असा दा खूबसूरत वतन अर्ज़े पा के इसा दुश्मन की मैली नज़र, और जनाब मैं आखसा कि उस वो दुश्मन चाहे अंदरूनी है या बैरूनी है, उसकी नज़र ने थोड़ा जैसा जड़ा मतलब ख़राब करने की पोजिशन में आंदा है। और इस मैं ये गल भी आखसा कि अज इस प्यारे पाक वतन के दुश्मन ज़्यादा हो गए, दोस्त घट हो, दुश्मन ज़्यादा हो गए, और दुश्मन कोई अंदरूनी भी होन तो बैरूनी भी होन। तो मैं ये गल आखसा कि बचा के रहेंगे पाकिस्तान, असा बचा के इंसान इंशाअल्लाह ताला। जी जी ज़रूर, क्यों नहीं। तुम तकिया उस पर जिले भी कौम पर कोई आफत आई तो असा सारे पाकिस्तानियाँ रल मिल के अपने मुल्क की मजबूत किया, और कोई खाली गल्लां नहीं हद तक नहीं बल्कि अमली तौर पर भी जोड़े साढ़े नौजवान ना बजुर्ग ना बड़े दवान जड़ियाँ, और तुसा सारे तो पहले गल की नारे नहीं, मैं तुसा की एक तारीखी हवाले नाल गल दसा भाई जो नारा सी जैसे क्योंकि शायर आबिदा तकी साहिबा भी इतने बैठे इनके लेके रहेंगे पाकिस्तान जो नारा एक कैफ बनारसी सन। अच्छा। जोड़े कराची कुछ अर्सा पहले इंतकाल होए, उन्होंने बेटी ने गज़ल जाफरी बड़ी मशहूर शायरा ना, ये उन्होंने जनाब नारा मारिया, उस वेले भी नारे नाल सारी कौम जी मुतहद हुई, और इस वेले भी जरा तुसा क्या बचाने नहीं तो पाकिस्तान की जनाब साड़ी जी यूथ है, और ख़ास तौर पर जोड़े अस पाकिस्तानियत ने ये रंग न सतखुर पे इस ट्रांसमिशन की सब तो बड़ी खूबसूरती और मुतहद होने की अलामत और निशानी है भाई असा सारे कोई उर्दू पिया बोलना, कोई हिंदको पिया बोलना, कोई पठवारी पिया बोलना, और अगे भी इस तरह रंग तो इस असा ने सारे जोड़े गुलदस्ते इन्होंने खुशबो खिलसी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान मजबूत रह सी। और जनाब दुश्मन की पता है भाई ये ना कि जनाब जरा कोई थोड़ा जहा कोई यार बिल्कुल हम तो घर से डंडे लेके निकल पड़ते हैं भाई, हमें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है अगर इस वतन पे कोई खुदा उधरों पे आंदन सामने वो पे आते नहीं यार कि तुसा इस टाइम ब्रेक है नो। अच्छा। इस कोई शक नहीं जनाब कि इस टाइम ये जो गुलदस्ता तुसा देखते हो उसके मुख्तलिफ रंग जड़े सजे हैं, और इसी तरीके अज की इस ट्रांसमिशन भी तुसा देख सो कि मुख्तलिफ रंग जड़े पाकिस्तान के वो तुसा नज़र आसन, लेकिन इस तो पहले कि मैं इन्होंने रंगों के मजीद निखार पैदा करा, इन्होंने गप शप लाव, एक निकी जी ब्रेक है, निकी जी ब्रेक तो बाद फिर वापस आसा तो तुसा नाल गल करसा कि यार जज्बाती तकरीर अंदाज़ गुफ्तगू एक अंदाज़ बयां जड़ा है ये कितनी वक़्त रखता है, ये कितनी अहमियत रखता है, इस निकी जी गल कर सक निकी जी ब्रेक वापस आने। नाजरीन प्रोग्राम आपने देखा और आपकी यादें ताज़ा हो गई होंगी, और साथ साथ जो मिली नगमे थे बिल्कुल जी साथ साथ हम मिली नगमे आपको सुनवाते रहेंगे ताकि आपका जोश और वलवला जो है वो बढ़ता रहे। अपने पाकिस्तान से मोहब्बत का एक जज्बा जो है वो हर एक के दिल में है, तो बिल्कुल जी हम इस जज्बे को मज़ीद बढ़ाते रहेंगे। तो मुदस्सिर हम जैसे कि बात कर रहे थे सेलिब्रेशन की, अपने बचपन की यादें हमने ताज़ा की, लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है जैसे जैसे वक्त गुजरा हम अपने यंगस्टर्स की बात करें तरीक़ेकार तब्दील हो गए और जो हम एक उसमें रह के हम सेलिब्रेट करते थे कि जिससे किसी को गम ना मिले, दुख ना मिले बल्कि खुशी मिले। सेलिब्रेशन का मतलब तो खुशी है। सेलिब्रेशन का मकसद यही है कि आप खुशी मनानी है। बिल्कुल खुशी मनानी है। आप खुशी मनाने के साथ साथ अगर आपकी खुशी से किसी को नुकसान पहुंच रहा है बिल्कुल आपका तरीक़ेकार खुशी मनाने का कुछ ऐसा है तो वो तो फिर मेरा ख्याल है कि उस तरीक़ेकार को ठीक करना चाहिए क्योंकि हम आज़ाद कौम हैं लेकिन हमें इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि बिल्कुल जी अंदाज चेंज हैं हमारे जो यंगस्टर्स हैं, ख़ासकर हम देखते हैं कि जब आज़ादी का दिन आता है तो बाइक के हवाले से अभी यही हम डिस्कशन कर रहे थे कि बाइक पे अब नौशीन आप मुझे बताएं कल की बात है कि कल हम शाम के टाइम जब सेलिब्रेशन स्टार्ट हुई थी तो उसमें ऐसा था कि इतना ज़्यादा शोर था कि वो इरिटेट कर रहा था। शोर सेलिब्रेशन बिल्कुल होनी चाहिए लेकिन एक डिस्टर्ब करने वाला कि जी एक टोला अगर नौजवानों का खुशी मना रहे हैं ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बाइक के साइलेंसर निकाले हुए बिल्कुल। और हमारे साथ पड़ोस में एक पेशेंट थे तो वो पास वाले हमारे घर जब आए तो वो कह रहे थे कि यार इतना ज़्यादा है कि हमारे वाले साहब की तबीयत ख़राब है और इन्होंने साइलेंसर निकाले हुए हैं, साइलेंसर निकाल के फुल आवाज़ में वो बाइक चला रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ना इस पे कंट्रोल करना चाहिए ताकि किसी को तकलीफ ना पहुँचे। बिल्कुल। और इसी तरह हम देखते हैं कि अक्सर जब सेलिब्रेशन हो रही होती हैं तो जब स्कूलों के अंदर या घरों के अंदर या बाहर गली मोहल्लों में जब आप झंडे लगाते हैं, छोटी झंडियाँ होती हैं, जब सेलिब्रेशन ख़त्म होती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि वही ज़मीन पे पड़ी होती है, अगला दिन आप देखें उफ। बिल्कुल। अच्छा ये बातें ऐसी हैं ना, ये थोड़ी सी हमारे नाजरीन को या हमारे खैर हमारे नाजरीन तो माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, इन बातों को बड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसा करना नहीं चाहिए कि हमारे फ्लैग की, हमारे जो झंडियाँ हैं, इनकी एक बड़ी रिस्पेक्ट है हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि जाहिर सी बात है हम 14 अगस्त जब आती है तो हम सबसे जो मेन चीज़ है वही झंडा है। तो अगर हम ज़ाहिर है उसका एहतराम नहीं करेंगे तो फिर हम आज़ादी सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हमने साथ लेके चलना है, खासकर बच्चे जो हैं। मेरे ख्याल में ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बड़ी चीज़ है। सबसे पहले इज़्ज़त और रिस्पेक्ट तो इसी की है, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें आती हैं। और बल्कि हमें सेलिब्रेट करने की जब हम बात कर रहे थे ना तो अक्सर यंगस्टर्स जो होते हैं, बल्कि जिनकी एज अभी नहीं होती इतनी कि वो लाइसेंस उनके पास हो, वो बाइक चलाना शुरू कर देते हैं। और घर वालों को भी मैं ये ताकीद करना चाहूँगा कि अपने बच्चों पे नज़र रखें। ये वो जनरेशन है जिसने आगे जाके इस मुल्क का फ्यूचर संभालना है और वो अभी से अगर उनकी एज नहीं है, उनको आप ड्राइविंग करवा रहे हैं, वो बाइक चला रहे हैं, तो उनकी वजह से, क्योंकि उनके इतना मेंटली इतने मैच्योर नहीं होते कि वो अभी इन चीज़ों को संभाल सकें, तो इस वजह से 18 इयर्स का एक बताया गया हमारे उसमें ही है, कवानीन में है कि अगर 18 साल से कम है तो आप अपने बच्चे को वेस्ट ना करें उसकी एनर्जी को, कि वो जी बाइक अगर कह रहे डिमांड कर रहे तो जी अक्सर होता है ना पेरेंट्स कहते हैं वो नहीं जी वो तो पुत्र बहुत शोर करेंद है, वो कहते तंग करेंद है, नहीं अबू मैं मोटरसाइकिल घिन के दो ना। तो ऐसा बिल्कुल ब्लैकमेल ना हो अपने बच्चे के लिए। और खुदा ना खास्ता ये ऐसी एज होती है कि इसमें अक्सर आपने देखा होगा कि व्हीलिंग करते हैं और व्हीलिंग करने के साथ साथ खुद अपना भी नुकसान कर रहे होते हैं और इनकी वजह से बाकी लोगों का भी बड़ा नुकसान होता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर व्हीलिंग करनी है तो वो प्रॉपर ट्रैक्स होते हैं, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं, तो वो अगर हो तो आप करें, लेकिन ये नहीं कि आप बाज़ारों में कर रहे हैं, आप रोड्स पे कर रहे हैं, ट्रैफिक चल रही है उसमें आप कर रहे हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है ना एक अपनी जान को हथेली पे रख के फिरने, और जब नुकसान होता है तो उनके पेरेंट्स फिर रो रहे होते हैं। सही, बिल्कुल। मैं इतने थोड़ा जो गुस्सा भी आ गया और जिले आप के बंदे गुस्सा आंदा है ना तो अपनी जबान जी लैंग्वेज है ना उस उत्ते आ जाता है। तो बड़ी अच्छी गल की तुसा मुदस्सर, जिस तरह तुसा गल की कवानीन दी, चाहे वो ट्रैफिक कवानीन है, चाहे असल मुल्क ते जितना भी एक निज़ाम है, सिस्टम है, उसके अंदर कवानीन बने दिन। हाँ। और जिले असी सैलीब्रेट कर रहे होने अपनी आज़ादी तो उस जरा असा एक हक भी बनते इस मुल्क उत्ते, वो ये भी है कि इस कानून की पासदारी की जड़े बने दिन, ताकि वो जड़े असी ये चीज़ा फेस करने हैं प्रॉब्लम एक ही वजह तो सारे जी सख्ती बर्दाश्त करनी पैंती है, उस तो भी बच सकते हैं। अच्छा, अब जश्न आज़ादी का जो मकसद आवे ना, मैं भी थोड़ी जी सराइकी लेसा। हाँ ठीक है। अच्छा, मकसद जो आंदा ना वो ये है कि हर साल अपने सब तो पहले अपने नाल ही अहद करना है कि मैं अपने अंदर केरी पॉजिटिव चेंज घिन के आमनी है सही और उस चीज़ को अगू कंटिन्यू करना है। और मैं इस कोशिश मेरी अपनी पर्सनल क्योंकि कोई परफेक्ट जात जी होंगी ना वो रब की जात है तो हर इंसान के कमी पेशियाँ होने तो मेरी कोशिश ये है शुरू को ही कि मैं हर साल अलहमदुलिल्लाह मैं एक अपने नाल अहद करे ना कि मैं ये काम करना है मैं ये रस्ता जो मेरे ये प्रॉब्लम है मैं इसको सॉल्व कर इसको मैं दोबारा ये प्रॉब्लम को अपनी पर उन्हें कढ़ना है। तो इस किस्म की चीज़ें जिस टाइम हम अपने साथ अहद करना शुरू कर देना कि मैंने अब फॉर एग्जांपल छोटी सी एक बात करता हूँ कोई बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चीज़ को इस अमल को करके वायलेशन करके कि जी हम रेड लाइट होती है सिग्नल पे हम जी क्रॉस कर जाते हैं ठीक है सिर्फ एक सेकंड की गलती से जान भी जा सकती है ठीक है सिर्फ यही अपने लिए वो कर ले। एक हमारे नौजवानों को ये मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ बल्कि आइडिया देना चाह रहा हूँ कि आप अपने साथ सिर्फ ये करें कि जी अब जब मैं बाइक चलाऊँगा अब मैं गाड़ी चलाऊँगा मैंने सिग्नल ब्रेक नहीं करना जो कुछ हो जाए सिग्नल ब्रेक नहीं करना ये यहाँ से आगाज़ है आगाज़ बिल्कुल वो आखते ना कि अगर तुसी इज्तमाही तौर पर कोई नहीं कर रखते हो लेकिन इनफरादी तौर पर अपने प्राइज जड़े हैं वो पूरे कर रखते हो। खैर जी हमारे पास और भी शोज़ हैं जो हम आपको दिखाएंगे और साथ साथ जाहिर सी बातें यादें भी ताज़ा करनी है हमारे स्पेशल जो डेज़ हैं तो हम नेक्स्ट कौन सा प्रोग्राम दिखाएंगे। अब जिस शो की तरफ हम जा रहे हैं बड़ा ही ज़बरदस्त शो हमने K2 टेलीविज़न ने किया उसमें केवान भाई होस्ट थे उनके साथ हशमा थी और बड़े मज़े के एक गैदरिंग थी जिसमें नुमान भाई थे सारा खान थी और दानिश थे जुखरुफ भाई थे D.W. बेग थे और शान खान सिंगर थे और शाजिया थी फातिमा थी। अब इन सारी गैदरिंग में मैं भी था बिल्कुल जी तो आप कहाँ थे ये हमने ना नगमे मिली नगमे हमने गाए और बड़ा खूब हमने सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट किया बिल्कुल जी। तो आइए चल के देखते हैं ये शो। जी अब हम गेम्स के ऊपर आएंगे। गेम्स इनको हम कह सकते हैं कंपटीशन इनको कह सकते हैं चैलेंजेस इनको कह सकते हैं। हर टीम को फर्क चैलेंजेस दिए जाएंगे हर टीम से कुछ सवाल भी पूछे जाएंगे मौसीकी के हवाले से भी बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग चैलेंजेस होंगे एंड साथ बेसिकली मकसद हमारा ये होगा कि मुल्क के हवाले से इंफॉर्मेशन नॉलेज और मुल्क को सेलिब्रेट करने वाली वो सारी चीज़ें आज के शो के अंदर इंक्लूड की जाएंगी और पॉजिटिव बातें की जाएंगी और कुछ पॉजिटिव चीज़ों को भी सेलिब्रेट किया जाएगा। पहले राउंड में हमारे पास क्या है हशमा? बहुत इंटरेस्टिंग राउंड है पहली चीज़ तो ठीक है और चूँकि हमारे साथ सिंगर्स भी मौजूद हैं बिल्कुल तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो खूबसूरत मिली नगमे हुआ करते थे बल्कि अभी भी होते हैं लेकिन एक ज़माना था बहुत खूबसूरत मिली नगमे होते थे। हर टीम एक करके मिली नगमा हमें सुनाएगी एंड यही एक चैलेंज है हर टीम के लिए और पूरी टीम मिल के सुनाएगी ये चैलेंज है क्योंकि हम ऑब्वियसली शान भैया बैठे हैं नुमान भैया बैठे हैं इनके साथ साथ मिलके आपने गाना है एंड जिस टीम में सारे मिलके ऑब्वियसली जोश और जज्बे के साथ यूनिटी दिखा के गाएंगे उस टीम को ऑब्वियसली पॉइंट्स मिलेंगे क्यों नहीं ऐसा ही बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। यकजहती की बात कर रहे हैं तो आपके गानों में आपके मिले नगमों में भी यकजहती यूनिटी नजर आनी चाहिए और सारों का वो जोश और जज्बा भी नजर आना चाहिए क्योंकि आज जश्न आज़ादी है अपनी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ दिखाना है। स्टार्ट करें बहुत ज़रूरी है कि अब हम स्टार्ट कर लें क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो ऐसे करते हैं स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले हम मौका देते हैं आपकी टीम को क्या याद चलें जी आप कुव्वत पाकिस्तान कोई मिली नगमा हो ठीक उसी से स्टार्ट करते हैं जो ओपनिंग में था। ऐ वतन प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन जबरदस्त दिल को चाह रहा तो थोड़ा और गाएं आप कसर तो छोड़नी बहुत ज़रूरी है ना, मेरा मतलब बहुत ज़्यादा आगे आता नहीं मुझे ऐसा ही लग रहा था, लेकिन चले अच्छा गाया, काफ़ी खूबसूरत गाया, सारों ने मिलजुल के गाया, नज़र आया कि सारे गा रहे हैं। मतलब मुझे टीम एकदम से कोई ऐसे लगा कि माशाल्लाह सारे ही गाने वाले हैं जी। अब मेरी टीम का आ गया है वक्त, एंड मेरी टीम डिसाइड करे कौन सा मिली नगमा गाएंगे, और मिलजुल के गाना बहुत ज़रूरी है। हैप्पी को तो कहने की ज़रूरत नहीं, वो तो शायद ओवरटेक कर जाए, और मुदस्सर भाई भी ऑब्वियसली। फातिमा और शाजिया बहुत ज़रूरी है कि आप साथ में जुड़ें। बिल्कुल जी, हम ज़रूर गाएंगे, आप फिक्र ना करें जी, हो जाए जी। शाम शायद नहीं था, लेकिन जज्बे जोश और जज्बे में टेम्पो बढ़ गया, लेकिन अच्छा लगा, बहुत जज्बे से गाया और टेम्पो शो का भी उठ गया, एंड काफ़ी मज़ा आया ये मिली नगमा सुन के। अब हम मेरी टीम बिल्कुल गुफ्तगू में मुब्तला है, एंड काफ़ी कन्फ्यूजन है इसमें क्या गाना है क्या नहीं गाना है, तो कहीं बिल्कुल हम पहुँच गए जी। इस परचम के साए तले हम एक हैं, टीम ने सिर्फ गाया नहीं, जो मेरी टीम है उनने परफॉर्म भी किया। बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास बड़े अच्छे परफॉर्म, हमेशा हमें देखा देखी ऐसे करेंगे। क्या बात है। मुश्किल और बहुत इस वक्त ये ट्रेडिशनल जा चुके हैं और अपनी इनने काफ़ी एक और साइड भी दिखा दी है, तो आप लोगों के पास चैलेंज है। बिल्कुल जी, कॉन्फिडेंस आया मेरी टीम का जी, क्या ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर ये कॉन्फिडेंस है अभी पता चलेगा। जमाने में बहुत मशहूर था अपने क्या बात है। बहुत हैवी हो चुका है सीन। अच्छा, अपनी टीम को आखिरी मौका देंगे। वैसे इस राउंड के अंदर मैं बताता चलूँ, असूलन तो इन दोनों ने तीन तीन गाने गाने थे, लेकिन चार हो गए, कोई बात नहीं, जोश में चार हो गए, जोश में चार हो गए। अब उनको चौथे का मौका मिल ही गया, तो आपको भी ऑब्वियसली देना चाहिए। मानती है ना, फिर मान लिया। नहीं, मिली नगमे सब इतने खूबसूरत होते हैं, क्या करें, पाकिस्तानियत झलकती है और पाकिस्तान की तारीफ। और जो बात ये जो लास्ट मिली नगमा इन्होंने पढ़ा, तो मतलब क्या मान लिए? नहीं, यकीनन जो जवान इस वक्त हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, हम सब उनको सलाम कहते हैं। और चूँकि आज़ादी ये आप लोगों की वजह से बरकरार है, तो हमेशा हम दुआ करेंगे, पूरी कौम आपके लिए दुआ करती है। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम देख के मज़ा आया होगा। हमारी कोशिश यही है कि हम आपको माजी में ले के जाते हैं कि हमने कितने मज़े मज़े के प्रोग्राम्स K2 टेलीविज़न ने सिर्फ आप लोगों के लिए किए हैं, और अब मज़ीद भी आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और आज का दिन जो है वो आप जब देखेंगे हमारे प्रोग्रामिंग्स, इतने मज़े मज़े के प्रोग्राम्स हैं कि आप प्रोमो से भी आपको आइडिया हो गया होगा कि कितने मज़े मज़े के प्रोग्राम्स पाकिस्तान के से रिलेटेड सेलिब्रेशन के हवाले से अपने नाजरीन के लिए रिकॉर्ड किए गए हैं ना। बिल्कुल जी, बड़ी मेहनत से ये प्रोग्राम्स रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, पूरी टीम की, मैनेजमेंट की मेहनत होती है और आइडियाज़ होते हैं जो आपके लिए लेके आते हैं। तो बिल्कुल सेलिब्रेशन चल रही हैं, तो हम चाहेंगे साथ साथ आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे मैसेज हम आपको दें, ताकि जिनसे आप कुछ सीख सकें, आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर सकें, तो जो हमारे पाकिस्तान, हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। तो जैसे हम बात कर रहे थे कवानीन की पासदारी के हवाले से, तो इसी के साथ साथ जैसे हमने बचपन की बातें की हैं, मैं कह रही थी कि बच्चों को हमारी जो तारीख है वो पता होनी चाहिए। तो जैसे घरों के अंदर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, कुछ बुज़ुर्ग हमारे ऐसे भी हैं माशाल्लाह से, जिन्होंने अपने इस पाकिस्तान को बनते हुए देखा, और मेरे ख्याल से वो लोग बड़े कीमती असासा हैं हमारे लिए, एकेडमी की हैसियत रखते हैं कि हमें उनसे तारीख पता चलती है। और इसके अलावा जिस तरह हम प्रोग्राम्स की बात करते हैं, तो हमारे हर प्रोग्राम में आपको इंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन ज़रूर मिलती है, इंफॉर्मेशन बिल्कुल होनी भी चाहिए, बिल्कुल इस दिन के हवाले से। तो हम मज़ीद भी कोशिश करेंगे कि कुछ मालूमात जो बहुत ज़रूरी हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए, तो वो हम आप तक पहुँचाएँ इस प्रोग्राम के तवसुत से। तो मुदस्सिर, जैसे कि हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं तो सबसे पहले बात हिस्ट्री के हवाले से, सबसे पहले मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क का जो नाम पाकिस्तान जब ये रखा गया, तो इसका जो मतलब है, ये दो जो वर्ड है, स्थान जो है ये संस्कृत का वर्ड है ना, तो इसका मकसद है जगह, जगह, और पाक, पाक जगह, खालिस पाक लोगों की जगह, पाक लोगों की जगह। तो जब ये नाम जब दिया गया, जब ये फाइनल हुआ, तो ये पहले पहले तो मेरा ख्याल है 1933 में ये नाम प्रॉपर अभी अनाउंस नहीं किया गया था, लेकिन जो सारे उसमें थे, इस तहरीक में थे पाकिस्तान बनने की, उनको पता था। तो जो आसपास के जो लोग थे, क्योंकि उस टाइम तो बड़े सगीर था एक, तो वो ऐसे समझ रहे थे कि जैसे ये मजाक कर रहे हैं, वो ईजी उसको बिल्कुल वैल्यू ही नहीं दे रहे थे। ये जैसे पाकिस्तान का नाम लेके ये कर रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान बनाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वो फिर उसके बाद जब तहरीक चली, फिर प्रॉपर जब 1940 में जब वो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, उसमें प्रॉपर अनाउंस किया गया कि ये पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान के नाम से ही ये तहरीक आगे जाएगी। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा एक मैं ये समझता हूँ कि हम तो खैर हमारे जिन बुज़ुर्गों ने इन चीज़ों को देखा जो अभी तक हयात हैं, तो उनसे उनको पता है इस चीज़ की वैल्यू का, वैल्यू कदर। बिल्कुल जी, वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और वो आपको हासिल होती है तो तब आपको कदर होती है। अच्छा, वक्त हुआ चाहता है किसका कि हम अपने नाजरीन के लिए क्या हम अगला सेगमेंट लेके आए हैं। हम सेगमेंट लेके आएंगे और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करेंगे। जिस तरह हम बात कर रहे थे मालूमात के हवाले से कि पाकिस्तान कैसे हासिल किया गया, उसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ दी गई, तो ये हम आपको वीडियो एक दिखाएंगे जिसमें आपको पूरी ये कहानी जो है वो नज़र आएगी। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी दी है। लफ्ज़ पाकिस्तान का मतलब बुराई से पाक और सुच्ची ज़मीन है। लफ्ज़ पाकिस्तान पाक और सतान दो अल्फाज का मजमुआ है। उर्दू और फारसी में लफ्ज़ पाक का मतलब साफ और सुच्चा है। लफ्ज़ सतान फारसी और संस्कृत जुबान से लिया गया है और इसका मानी जगह के हैं। ममलिकत पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने 1933 में रखा। चौधरी रहमत अली मशरकी पाकिस्तान के इलाके होशियारपुर में पैदा हुए। 1933 में चौधरी रहमत अली ने दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के मौका पर अपना मशहूर किताबचा नाउ और नेवर अभी या कभी नहीं शाया किया, जिसमें पहली बार लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल किया गया। इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान, बंगालिस्तान और उस्मानिस्तान 3 ममालिक का नक्शा पेश किया। पाकिस्तान में कश्मीर, पंजाब, बलोचिस्तान और दिल्ली समेत सिंध, खैबर पख्तूनख्वा शामिल थे, जबकि बंगालिस्तान में बंगाल, बिहार और आसाम के इलाके थे। इसके अलावा रियासत हैदराबाद दक्कन को उस्मानिस्तान का नाम दिया गया। मेरे खेतों की मिट्टी मिला ले जमन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन। बेशक जी, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। बिल्कुल, इसकी खूबसूरती की अगर बात करें तो बहुत से हसीन मनाजिर आपको देखने को मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर मौसमों के हिसाब से देखा जाए तो वो हर किस्म का मौसम आपको पाकिस्तान के अंदर मिलेगा। तो बिल्कुल जी, कुदरती नेमतों से माला माल ये खूबसूरत सा तोहफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिया गया। और हम अपनी बातों में इन चीज़ों को इसलिए भी शामिल कर रहे हैं कि बिल्कुल हमें अपने जो फ़राइज़ हैं, हमारा जो किरदार है इस पाकिस्तान की हिफाजत में, इसको खूबसूरत बनाने में, इसको तरक्की की मंजिलों तक पहुंचाने में, वो हमें कैसे अदा करना है। तो मुदस्सिर, बिल्कुल हमने वीडियो देखा। यकीनन हमारे जो घर में बैठे इस वक्त बच्चे देख रहे होंगे, बड़े देख रहे होंगे, तो उनको भी मालूमात में इजाफा हुआ होगा कि जी पाकिस्तान किस तरह हासिल किया गया। अब इसकी कदर कैसे करनी है? कदर ऐसे करनी है कि इंडिविजुअली हमारे जो फ़राइज़ हैं हमने वो फ़र्ज़ पूरे करने हैं, पूरे करने हैं। अच्छा, वो एक मैं छोटी सी आपसे एक बात शेयर करता हूँ। एक बंदा था, उसने कहा मैंने पूरी दुनिया को बदल देना है ना। तो वो उस टाइम शायद उसकी एज होगी 20 ईयर्स होगी, तो उसने 10 साल गुजर गए, उसने कख भी नहीं बदला। ठीक है, सही। फिर वो कहते हैं यार 10 साल गुजार दिए मैंने, एक काम करता हूँ कि मैं सिर्फ बर आज़म एशिया को तब्दील कर दूँगा ना, इसका नक्शा तब्दील कर दूँगा, इसमें ये करूँगा, वो करूँगा, प्लान करूँगा। मज़ीद 10 साल गुजर गए, कुछ नहीं कर सका। फिर उसने मज़ीद फिर प्लान किया कि यार चलो ये भी 10 साल गए, इसका मतलब ये है कि मैं जिस मुल्क में रहता हूँ तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट इस मुल्क को तो मैं ठीक करके ही रहूँगा। उसने अगले 10 साल में मुल्क को भी ठीक नहीं कर सका ना, सही। फिर उसने मज़ीद, अब ये थोड़ा सा जवानी खुदा हाफिज़ करते हुए ना एक एज में दाखिल हुआ, बुढ़ापे में हल्का सा दाखिल हुआ ना। तो उसके बाद फिर उसने ये कहा कि जी मैं अपने मुल्क को ठीक कर दूँगा, तो मुल्क को भी ठीक ना कर सका। फिर उसने कोशिश की कि अच्छा यार ये तो नहीं हो सकता, चलो अपने शहर से शुरू करता हूँ। 10 साल मज़ीद गुजर गए, शहर भी ठीक ना कर सके। अगला जब फिर उसने 10 साल गुजरने के बाद सोचा कि यार एक काम करता हूँ कि ये भी नहीं कर सका, ये भी नहीं कर सका, तो मैं अपने घर को ठीक करता हूँ। तो जब ये चीज़ एक बड़े दाना बंदे के साथ उसने शेयर की कि भाई मेरी अब एज ये हो चुकी है और मैंने ज़िंदगी में ये प्लान किए थे, ये मेरे मकासद थे, दुनिया को मैं बदल दूंगा, फिर मैंने बर आज़म एक चेंज करना था, फिर मैंने मुल्क को चेंज करना था, फिर शहर करना था, तो मैं नहीं कर सका। तो उसने कहा भाई आपने जब स्टार्ट लेना होता है किसी चीज़ का तो सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। लेना आपकी, आप बिल्कुल दुनिया को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल अपने मुल्क को चेंज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है ना, जो बुनियादी चीज़ है, वो आपका अपना वो आप। आपका अपना आप है। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत सी बात की है। तो ये बात उनको समझ आई जब उनकी एज 70 साल हो गई। वाह, तो मतलब इस बात का जो निचोड़ निकलता है वो ये है कि सबसे पहले आपने अपने आप को देखना है, अपने आप को ठीक करना है, फिर आप से आपका घर ठीक होगा, आपका घर ठीक हुआ तो आपका मोहल्ला ठीक होगा, मोहल्ले से फिर शहर ठीक होगा, और शहर से फिर पूरा मुल्क। अब ये जो लाइट होगी ना फिर वो फिर फैलेगी सबसे पहले खुद। अच्छा, मैं आपको, मुझे बड़े मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बाहर होते हैं और अक्सर वो कहते हैं कि इनवाइट करते हैं कि जी आप आओ, तो मैं आपको दिल की बात कर रहा हूँ, अपने नाजरीन के सामने ये बात कर रहा हूँ, मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है। और क्यों है? इस मुल्क में जितनी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। कि मैं अब कहता हूँ कि हमें अब जो मौसम, अगर सख्त गर्मी के मौसम में ना आप चाहो ना कि मुझे इस मौसम में, सख्त गर्मी में मुझे ऐसा मौसम मिले जहाँ पे शदीद मुझे ठंड लगे, तो उसी मुल्क में विदिन 4 to 5 आवर्स के बाद आपको ऐसे आपके हम इलाके हैं जहाँ पे जाएं तो आपको वेदर टोटली चेंज मिल सकता है। बिल्कुल। अच्छा, मौसम, चारों मौसम, इसके अलावा यहाँ पे जो फूड है, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं, मैं कहता हूँ कि किसी कंट्री में इतने ज़्यादा नेमतें नहीं है। और जो खूबसूरती है मुदस्सिर, नेचुरल पहाड़ हैं, दरिया है, ग्रीनरी है, और मतलब हर खूबसूरती अल्लाह ताला ने पाकिस्तान खित्ते के हवाले से, बात सिर्फ इसको नोट कीजिएगा कि खित्ता पाकिस्तान जैसा खूबसूरत कोई दुनिया का मुल्क नहीं है। जहाँ पे हल्का सा मसला आता है वो है छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स, हमारे अपने पैदा करदा मसाइल, हमारे अपना पैदा तो करदा। बिल्कुल जी, इन्हीं खूबसूरतियों को साथ लेकर चलते हुए हम नेक्स्ट अपने नाजरीन को क्या दिखा रहे हैं? नेक्स्ट हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं कि जहाँ पे हम पाकिस्तान की खूबसूरती की बात करते हैं, जहाँ पे हम मौसम की बात करते हैं, जहाँ पे पॉजिटिव इमेज की बात करते हैं, वहाँ पे हमारे मुल्क के टैलेंट की बात अगर ना की जाए तो बंदा भड़ा लगता है। भेड़ा जा लगता है। जी तो हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने इतने टैलेंटेड लोग भेजे हैं, पैदा किए हैं इस मुल्क में, कि जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम, अपना मकाम बनाया। बेशक, ठीक है। तो एक हमें इस प्रोग्राम में ज़रूर हम ऐड करना चाहेंगे एक ऐसा प्रोग्राम, उसकी झलकियाँ, जिसमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंसेस जिनको मिली हैं उनके साथ एक प्रोग्राम किया था, और वो एक हमारा प्रोग्राम बैठक उसमें आए थे, और हमने वो 14 अगस्त स्पेशल प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था। तो उनकी झलकियां हम ज़रूर देखना चाहेंगे, जिनमें हमारे मुल्क के बहुत बड़े नाम बाबर न्याजी, जावेद न्याजी आए थे जी, और उन्होंने बड़ा खूब, बल्कि रईस साहब थे, रईस साहब थे बिल्कुल जी, वायलिन प्ले करते हैं, और पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उनका एक ऐसे नाम है जो पूरे दुनिया में लोग इनको जानते हैं, इनके काम की वजह से जानते हैं। तो हम चल के ज़रा अपने नाजरीन को आए नज़र आप देखें कि ये लोग हैं, ये हमारे मुल्क का टैलेंट है, ये हमारे लोग हैं, और K2 टेलीविज़न पे एक ज़बरदस्त प्रोग्राम में ये आए थे। तो देखें इसे, फिर वापस आते हैं। जरा गान लगे ना जी। अच्छा जनाब तफैल न्याजी साहब का जरा तराना, इस तराने के विच मैं वायलिन बजाया हुआ है। माशाल्लाह। रिकॉर्डिंग जो हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। साढ़े देश दी शान उचेरी, साढ़े देश दी शान उचेरी, इते हिम्मत जोर दलेरी, इते हिम्मत जोर दलेरी, साढ़े देश दी शान उचेरी, साढ़े देश दी शान उचेरी। एदा झंडा सब तो सोना है, बेशक एदा चंतरा मन मोना है, क्या बात है, चंतरा मन मोना है, इने कौम दी किस्मत फेरी, इने कौम दी किस्मत फेरी, ओ साडे देश दी शान उचेरी, साडे देश दी शान उचेरी, इथे हिम्मत जोर दलेरी, इथे हिम्मत जोर दलेरी, ओ साडे देश दी शान उचेरी। वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, मजा आ गया सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। ट्रांसमिशन वाले बंद कर छोड़ क्यों आखिर चसा नारा आखना नहीं, ये इस तरह ने तो बात पता कोई नहीं चलता, चले बैठे जज्बाती हो गए तराने तो बात तो बहुत जरूरी है। मतलब चाचा एक बार ये बजावा, मैं सिर्फ सामने नहीं बजाना है, चलो थोड़ा शौक पूरा कर लो, चलो एक बार बजा सकते हैं। बुरा लगता मेहमान बैठे थे उनकी शान बस मारे गाने दर क्या बजाई ताकि तुझे दे कान खुलोन, कान खुल जो ना सद कान खुलते। पापा जी जी मैं वैसे ही कह रहा सी कि एक अद लैंड तुसा भी सुनाओ जे मेजबान ना होते अपना ये सूती असरात पैमन हबीब वाली ममन दी कोशिश करना। हां जी। हम रहे साकी रहे यादौर पैमान रहे, हश्र तक आबाद यहीं आबाद में खाना रहे, जा पहुँचेंगी ऐ निगारे वतन तू सलामत रहे, ऐ निगारे वतन तू सलामत रहे, मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम, मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम, तू सलामत रहे। तेरी अज़मत तेरी आबरू के लिए अपना तन अपना मन अपना सर देंगे हम, आँच आने न देंगे तेरी आन पर, आँच आने न देंगे तेरी आन पर। फतहो नुसरत की तुझको खबर देंगे हम, जब तुझे रोशनी की ज़रूरत पड़ी, जब तुझे रोशनी की ज़रूरत पड़ी। अपनी महफिल के शम्सो कमर देंगे हम, ने भी कमाल कमाल है। निगारे वतन तू सलामत रहे। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा माशाल्लाह, ਇਹ ਨਗਮਾ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ अच्छा ये जरूर तुसी सुनाना है, कमाल तुसी कीता है। अच्छा देख लो फिर माशाल्लाह सुन लेती सी। नहीं मैं कल ला के कल से माशाल्लाह सुबह नाश्ते च एक दो सीढ़ियां खा के माशाल्लाह। अच्छा जनाब उस्ताद रईस साहब बैठे होवन, रईस साहब जी 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 जी, वायलन दी जनकार ना होवे, सारे किस तरह सारे लोग इंतजार कर रहे हैं असां दी ट्रांसमिशन। सूफी साहब हाजी साहब बैठे, अच्छा जी, वो मां अंदर गया ते मां हनन उस्ताद रईस कदे गासो गांदे नहीं वायलन बजांदे इतना तुसां दा माशाल्लाह इस लेवल तो लैके ते सदारत सदूर तक तुसां सुनदे इंप्रेशन है। आज माशाल्लाह के सुना सो जी मौका है जी। मैनू भी याद आया मेरे वालिद साहब दी बनाई एक तर्ज है, तुसीं सारे सुनिए, यूं दी हमें आज़ादी हुई हैरान है कायदे आज़म तेरा एहसान है। वाह वाह वाह, अच्छा ये तर्ज वालिद साहब ने माशाल्लाह माशाल्लाह। यार आज केड़े केड़े लेजेंड असां नाल बैठे, देखो जरा माशाल्लाह, बड़ी खुशकिस्मती है साडी। अच्छा अब क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा करीब करीब नेड़े लग चुका है, नेड़े लग गया है बिल्कुल जी। तो हम एंड पे बल्कि एक मैं मैसेज पहले दे देता हूँ, जो मैं इस साल के बाद मैंने अपना क्या अहद करना है अपने साथ, और मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी दोस्त हैं जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे प्रोग्राम को हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर उनको ये बात मुनासिब लगे तो आप भी इस पर अमल कर लीजिएगा। मेरा क्योंकि हर साल मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि मैं कुछ अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने एक चीज़ इस दफ़ा से इस साल अहद करना है, और वो ये है कि टाइम की जो पाबंदी है उस पर, और एक बड़ी सक्सेस के हवाले से हम क्योंकि बुजुर्गों से सीखते हैं कि आज का काम कल पे मत छोड़ें, ठीक है। जो आज का काम है वो आपने आज ही करना है, डिले नहीं करना। जो काम करना है फ़ौरन करना है, ये नहीं कि अच्छा। मसला कब होता है, कोई काम आपने करना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलता है या आपको घर की तरफ से कोई मिलता है, आप क्या करते हैं, अच्छा मैं 10 मिनट के बाद चक्रेस हाँ, सही, अच्छा मैं ये काम कर लूँ, खाना खा लूँ, उसके बाद करूँगा। नहीं, जो काम आ गया उसको सबसे पहले करना है, उसके बाद आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपका डिसिप्लिन ये स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा एक मैसेज है, आप अमल कीजिएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, और अहद आप विदिन अ मंथ आप फील करेंगे कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। अब एंड पे हमारे पास क्या है, अपने नाज़रीन के लिए हमारे पास एंड में क्या है? हमारे पास एंड में एक ऐसी चीज़ है, ऐसी यूनिक चीज़ है जो कभी कभी बनती है, जिसपे एक्सपेरिमेंट है, ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसपे अव्वल तो कोई हाथ डालता नहीं है, और जब हाथ कोई डालता है तो फिर उसमें जब तक एक्सपर्टीज ना हो तब भी नहीं हो सकता। लेकिन एक बात है, अगर लगन हो, ठीक है, लगन हो करने की जिस काम की, तो वो आप उसमें कामयाबी हासिल करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं, क्योंकि इस जो अगला हम आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाने जा रहे हैं ना, उसके बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें था क्या, है क्या और कैसे किया ना। ये हमने एक ऐसा ट्रिब्यूट दिया पाकिस्तान को, एक ऐसा मिली नगमा बनाया गया। मैं इसमें क्रेडिट ऑब्वियसली मैं देना चाहूँगा केवान भाई को कि उनका ही आइडिया था और इसको एग्जीक्यूट करने में हम सब लगे हुए थे। वीडियोग्राफी भी केवान भाई ने ही की, और मुझे आज भी याद है कि इसकी जो एडिट था उस पर मेरे ख्याल में कि 20 से 22 घंटे लगे थे। अच्छा, 20 से 22 घंटे लगाना मुतवातिर कोई इतना ईजी नहीं होता, नहीं होता। बिल्कुल। इसमें हुआ ये कि हमने एक जब ट्रिब्यूट किया तो इसमें हमने कोई, आप ये बिल्कुल मैं 110% गारंटी से कहता हूँ कि कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं हुआ, नहीं हुआ। सब हमने जो काम किया था इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी, तो हम नुमान भाई थे इसमें, जिया थी इसमें, गुल था इसमें, केवान भाई खुद थे इसमें, शान था इसमें, आप खुद भी थे, मैं था और जुनैद भाई था इसमें। तो हमने मिलके हमने म्यूज़िक भी खुद बनाया, और सारा म्यूज़िक किस तरह था, अपने मुंह से दिया। फॉर एग्जांपल कोई बीट है ना, तो बीट ऐसे हम रिकॉर्ड कर रहे थे, वॉइस म्यूज़िक, वाह, ये करके फिर उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें, स्केल क्या है ये, अच्छा फिर हम बीच में ये, अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों को मिला के बाकायदा म्यूज़िक एक ट्रैक टाइप की चीज़ बना के फिर उसके ऊपर हमने वोकल अपने रिकॉर्ड किए, फिर उसके जो वीडियो बनाए। आप यकीन करें ये कोई फिल्म से कम काम नहीं था। वाह, बिल्कुल जी, जिस तरह आपने डिटेल में बताया तो वाकई एक मुश्किल वो था, लेकिन आप सबकी मेहनत जो है वो हमें इस वीडियो में नज़र, मैंने तो खैर देखा हुआ है, मैं चाहूँगी हमारे नाजरीन इसको बिल्कुल इसको ज़रूर देखें, और हम इजाज़त भी लेते हैं, कोई पैगाम जाते जाते आप जल्दी से बता दीजिएगा हमारे नाजरीन। बिल्कुल जी, पाकिस्तान से प्यार करें, इसकी कदर करें, और तभी आप इस आज़ादी को मनाने के हकदार हो सकते हैं सही मानों में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चमन तुम्हारा है, पाकिस्तान 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 मेरा ईमान पाकिस्तान। उम्मीद सुबह है जमा रखना ख्याल रखना ख्याल रखना ख्याल रखना ख्याल रखना। मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है तू तो मेरी यान है तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान, तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान। दिल दीवाना तेरे लिए तेरे बिना दिल ना लगे। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान मेरा पाकिस्तान। जानो दिल कुर्बान मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है, हो इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है। हम सब की है पहचान हम सबका पाकिस्तान 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 हम सबका पाकिस्तान। जीवे 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 जीवे। तर्जुमाने माजी शाने हाल जाने इस्तकबाल साए खुदाए ज़ुल जलाल। तेरे बिना